इस डायग्राम में यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन दिखाया गया है। तो अभी तक हमने जान लिया है कि पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, पूरा डीएनए एक्टिव नहीं होता है। तो डीएनए का वो पोर्शन जो एक्टिव होता है वो लेस कंडेंस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं, यानी कि इस वाले डीएनए के पोर्शन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन बनेगा, एमआरएनए बनेगा। लेकिन जो जंक डीएनए है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में इंटरफेस के दौरान भी, और इस हाईली कंडेंस्ड डीएनए के रीजन को हम हेटरोक्रोमैटिन बोलते हैं। ये हाईली कंडेंस्ड इसलिए है क्योंकि इससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना है। तो जब प्रोफेज आएगा, जब सेल डिवाइड कर रही होगी, प्रोफेज आएगा और ये क्रोमैटिन जब फर्दर कंडेंस होगा और क्रोमोसोम बनाएगा, तो क्रोमोसोम पर भी हमें हेटरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के रीजंस दिखाई देंगे। जब हम क्रोमोसोम को डाई से कलर करेंगे तो हमें लाइट कलर और डार्क कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। तो जो लाइट कलर के बैंड्स होते हैं वो यूक्रोमैटिन वाले रीजन होते हैं और जो डार्क कलर के बैंड्स होते हैं वो हेटरोक्रोमैटिन वाले रीजंस होते हैं।